नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस थ्रिविंग में। और आज मैं आप सभी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज टू के लिए सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होंगे। और आप सभी ने काफ़ी निवेदन किया, कमेंट भी आया कि मैं अपना प्रैक्टिस सेट जारी रखूँ और भी डालूँ, तो आप सभी के निवेदन के अनुसार मैंने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। और इसमें अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और इसके अनुसार सभी प्रश्न को समझिएगा जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो काफ़ी लंबी आप बनाते हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो लंबी बनाने का कारण यह है कि मैं प्रत्येक प्रश्न के बारे में साफ तौर पर समझाता हूँ, क्लियरली समझाता हूँ, तो इस कारण वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आगे से नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बता दूंगा, तो वीडियो शॉर्ट बनेगी। लेकिन मैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊं, इसलिए मैं इस काम को पूरा करता हूं। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वीडियो छोटी बनाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी स्टेज टू के लिए समान हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, छ त्र ज्ञ ये दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, छ है जो और क और श को मिलाकर बनता है, त्र है त और र को मिलाकर बनता है, और ज्ञ है ज और य को मिलाकर बनता है, जो मैं पिछले वीडियो पार्ट 2 में आपको बता चुका हूं। अगर आप सभी ने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये छ त्र और ज्ञ तीनों संयुक्त व्यंजन है, परंतु ये श है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपका आंसर होगा ख श। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध कारक का चिन्ह है। मैंने कारक के बारे में भी पिछले वीडियो में बताया था पार्ट 2 वाले में, तो इसमें पूछ रहा है संबंध कारक का चिन्ह बताइए। तो संबंध कारक का चिन्ह होता है, आप गैस करिए आंसर को, फिर मैं आंसर बताता हूं। संबंध कारक का चिन्ह होता है ग, का की के, ये ग ऑप्शन सही है, का की के। ठीक है, मैं पर जो है अधिकरण का है, के लिए है संप्रदान का है, और से करण का है, तो बचा कौन सा ग, का की के, ये राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग, आपने ड्राफ्टिंग शब्द सुना होगा इंग्लिश में, का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, भारत सरकार द्वारा जो ऑफिशियल यूज होता है, ठीक है, ऑफिस वगैरह में ड्राफ्टिंग शब्द, इसका हिंदी में क्या अनुवाद होगा भारत सरकार द्वारा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क है टिप्पणी, ख है आरोपण, ग है प्रस्ताव, ग है प्रारूपण, तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है घ, प्रारूपण। ठीक है, प्रारूपण का अर्थ होता है किसी कार्य को, किसी कार्य को नए अवस्था में समझने या करने की क्रिया को प्रारूपण कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंठस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आपको बताना है कंठस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है, क है क ख ग घ, च छ ख है च छ ज झ, ग है प फ ब भ, और घ है त थ द ध। अगर आप सभी ने मेरा वीडियो पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे व्यंजन के नाम बताए हैं कौन सा क्या होता है। फिलहाल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस वीडियो में भी, पहले इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको कौन सा है। इसका राइट आंसर है क, क ख ग घ। ठीक है,
तो क ख ग घ कंठस्थ व्यंजन होते हैं, च छ ज झ तालव्य व्यंजन होते हैं, प फ ब भ ओष्ठ व्यंजन होते हैं, त थ द ध दंत व्यंजन होते हैं, और ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क क ख ग घ। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5th है, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा और ये घ आरोप लगाना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको चुनना है अंगुली पर नाचना के लिए। इसका राइट आंसर है ख, किसी की इच्छा अनुसार चलना। ठीक है, अंगुली पर नाचना मतलब किसी की इच्छा अनुसार चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा, क्या होगा दांतों तले अंगुली दबाना का? मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। तो आपको राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ग, आश्चर्य करना। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो साथ साथ में आप आंसर भी खुद किया कीजिए और नंबर गिना कीजिए कितने आपने सही किए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग टोटल 25 में से कितने क्वेश्चन सही खुद कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द हैं, हीरक जयंती, रजक जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी को, हीरक जयंती जो होती है 75 साल में मनाई जाती है, रजत जयंती जो होती है यह आपको 25 सालों में मनाई जाती है, और स्वर्ण जयंती 50 सालों में मनाई जाती है, और शताब्दी 100 सालों में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 50 सालों के लिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण जयंती। ठीक है घ। और एक बात बताता हूँ, स्वर्ण जयंती को इंग्लिश में डायमंड जुबली बोला जाता है, सॉरी गोल्डन जुबली बोला जाता है, रजत जयंती को सिल्वर जुबली बोला जाता है, हीरक जयंती को इंग्लिश में डायमंड जुबली, और शताब्दी को आप जानते ही हैं 100 वर्ष के लिए मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग मतलब उपसर्ग को आपको मैं बता देता हूं, इसका अर्थ होता है जो शब्दांश शब्दों के आदि पहले, मतलब पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जो पहले जुड़ते हैं जैसे प्र हो गया, सम हो गया, वी हो गया, ठीक है, ये सब उपसर्ग है, और उनसे जुड़कर एक नया शब्द बनता है, एक तो उसको आगे वाले शब्द जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। और ठीक है, इसी तरह तो प्रत्यय जो होता है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते, एक नया अर्थ वाला शब्द बनाते हैं, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे हो कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, अनाथ, अ प्लस नाथ, ये हो गया उपसर्ग का। ठीक है, और इसी तरह प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, जैसे लड़ाई, लड़ प्लस आई, इसमें पीछे आई जुड़ रहा है, ठीक है, आई जुड़ रहा है, लड़ के साथ आई जुड़ रहा है, आई क्या है एक प्रत्यय है, और अनाथ में आ क्या है उपसर्ग है, आगे जुड़ रहा है, तो इसी तरह उपसर्ग और प्रत्यय होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन बता देता हूँ, क संगम, ख क्रोध, ग विमोचन, और घ प्रत्यय प्रत्यर्पण। ठीक है, तो आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ, ख होगा क्रोध। ठीक है, बाकी सब में उपसर्ग जुड़ा हुआ है पर क्रोध एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ठीक है,
तो क है तालव्य, ख है उष्म, ग है अंतःस्थ, घ है ओष्ठ्य। तो आपको बताना है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, य, र, ल, व भी एक वर्ग में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क, ख, ग, घ, ये कंठस्थ होता है, च, छ, ज, तालव्य होता है, ट, ठ, ड, मूर्धन्य होता है, और त, थ, द, दंत होता है, और प, फ, ब, ओष्ठ्य होता है। इसी तरह य, र, ल, व भी किसी वर्ग के व्यंजन है, इनका नाम दिया गया है, कौन से वर्ग में आते हैं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ग, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, और इसमें आपको उसमें बता देता हूं जो मैंने अभी तक नहीं बताया, बाकी सब तो मैं बता दिया हूं, तालव्य ओष्ठ्य बता दिया हूं, और य, र, ल, व अंतःस्थ होता है। तो उसमें मैं स, 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 ह, ठीक है, स, श, ह, तलावे स, मूर्धानि स, दांति श, और ह, ये उष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, स और ह जितने तीनों श हैं वो, और ह, ये उष्म संघर्षी व्यंजन है, याद रखिएगा। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है, और बाकी सब मैं बता चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध प्रक्रम होगा, कौन सा होगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे परक्रम ना होकर पदक्रम होगा। ठीक है, तो द, ये गलती से र लिख दिया गया है, तो इसको द कर लेते हैं। चलिए बताइए, क है एक पानी का गिलास लाओ, ख है पानी का एक गिलास लाओ, ग है एक गिलास पानी लाओ, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, पानी का, ख, पानी का एक गिलास लाओ। ठीक है, बाकी सब गलत है, खा सही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम घर गया, उसने माँ को देखा, का संयुक्त वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। क है राम ने घर जाकर माँ को देखा, ख है राम घर गया और उसने माँ को देखा। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, और घ है राम घर गया तो माँ को देखा। तो बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। बाकी मैं आगे आपको इसके बारे में फिर से बताऊंगा कुछ बात। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन जान लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा राम घर गया और माँ को देखा। ठीक है, ख ख राइट ऑप्शन है। जैसा कि है कि मैंने ये वाक्य के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, पार्ट टू में काफी कुछ बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, और किंतु परंतु ये शब्द अगर आते हैं एव तथा, तो संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन तो कि ये सब आते हैं दो वाक्यों के बीच में, तो वो मिश्र वाक्य होता है। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर बीच में दो वाक्यों के बीच में और किंतु परंतु तथा एवं इस तरह के शब्द आए, तो वो सीधे संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो यहां कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें बताना है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इसमें ये कौन सा अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो बताइए कौन सा अलंकार है, अलंकार पहचानना है। तो इसका राइट आंसर होगा ख, अनुप्रास अलंकार। क्यों, क्योंकि यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, क्योंकि जब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसमें उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, च वर्ण के देखिए, चारु, चंद्र, चंचल, ये बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार में
ये होता है यम कलंकार, मतलब शब्द जिसमें बार बार आए, पूरा का पूरा शब्द बार बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग होंगे, ठीक है, तो वो यमक अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यमक अलंकार का बता देता हूँ। कहे कवि बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर। इसमें देखिए बेनी बेनी शब्द बार बार आया है, रति रति शब्द बार बार आया, लेकिन बेनी बेनी का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। एक बेनी है कवि अपने बारे में बोल रहा है, दूसरा बेनी है चोटी, और इसमें रति का प्रथम अर्थ है, रति मतलब हो गया जरा जरा या रत्न कोई, और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति, ठीक है। इस तरह यह यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है, जिसमें एक ही शब्द बार बार आए परंतु अर्थ उनका अलग हो, और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, ठीक है, जिसमें चिपका हुआ हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जहां चिपका हुआ है। एक उदाहरण बता देता हूँ। चरण धरत संकत शंका करत, चितवन चाहूं और, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि कमी अरुचोर। देखिए इसमें क्या है कि सुबरन शब्द का अर्थ है अच्छे शब्द होता है, ठीक है, और सुबरन शब्द का प्रयोग कवि कमी और चोर, ठीक है, सबके लिए प्रयोग हुआ है। अच्छा रंग सोना, ठीक है, तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा। एक ही शब्द की अनेक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें श्रोता कुछ और कहता है, वक्ता कुछ और कहता है और श्रोता कुछ और सुनता है, समझता है उसको, तो वो वक्रोक्ति अलंकार है। जैसा कि कृष्ण ने राधा से बोला, कि राधा ने कृष्ण से पूछा कि आप कौन हो, तो कृष्ण बोले मैं हरि हूं, तो राधा बोली वानर का यहाँ क्या काम है। तो अर्थात देखिए हरि का मतलब होता है विष्णु, तो कृष्ण ने अपने आप को विष्णु बताया लेकिन राधा उसको कुछ और समझ गई, ठीक है, तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो आप समझ चुके होंगे, बाकी अलंकार आप खुद पढ़ लीजिएगा, अभी समय नहीं है कि मैं पूरा अलंकार का चैप्टर आपको पढ़ा सकूं। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो इसका राइट आंसर था अनुप्रास अलंकार। इसमें आपको 13 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन में सही वर्तनी छाटनी है, सही वर्तनी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें आपको 4 शब्द दिए हैं, उनमें से सही शब्द को बताना है कौन सा लिखा गया है और बाकी सब गलत है। तो ज्योत्सना 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 ज्योत्सना, तो बताइए इसमें जो ज्योत्सना के लिए कौन सा शब्द सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ज्योत्सना, ठीक है। तो इसमें देखिए आधा ज होता है, य में ओ की मात्रा होती है, आधा त आधा स और ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये राइट आंसर, खर ऑप्शन राइट है। चलिए अगला देखते हैं। उज्जवल 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 उज्जवल, कौन सा राइट है बताना है आपको। इसका राइट ऑप्शन होगा ग उज्जवल। देखिए तो इसमें दोनों में आधा ज दो बार आता है, ठीक है, उज्जवल में, तो ग राइट होगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला है 15। जीजी विषा जीजी वशा जीजी वशा जीजी विषा, तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा क जीजी विषा, ठीक है, और जीजी विषय का अर्थ होता है जीने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क है। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 17 तक सही सही विलोम शब्द चुनना है, ठीक है, 16 से लेकर 17 तक। तो पहला है 16, अनादर। अनादर का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, मान सम्मान आदर सत्कार।
तो इसका राइट आंसर होगा आदर ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अथ 17। अथ का उल्टा क्या होगा? इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। अथ का अर्थ होता है, देखिए विलोम को करने के लिए आपको अर्थ की भी नॉलेज होनी चाहिए। अर्थ पता हो तो आप सही विलोम करेंगे। तो ऐसे मैं बता देता हूँ, अथ का अर्थ होता है किसी चीज की शुरुआत, और इसका अपोजिट होगा इति क। इति मतलब अंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक के तीन पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी को चुनिए। मतलब तीन पर्यायवाची है, तीन शब्द का सेम मीनिंग है, एक अलग है, जो अलग है उसको आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें अलग है, भिन्न है, भिन्नार्थी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्साह ख। देखिए उत्सव, पर्व, समारोह तीनों एक ही शब्द हैं, पर उत्साह अलग है। उत्साह मतलब खुशी, और उत्सव पर्व ये एक त्यौहार के तौर पे आदमी मनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 है, क दिवस, वासर, दिन, प्रसून। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है घ, प्रसून। दिवस, वासर, दिन तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परंतु प्रसून अलग है क्योंकि प्रसून का अर्थ होता है फूल। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। बादल, पयोधर, वारिज, वारित, तीन तीनों में से आपको चारों में से कौन सा अलग है बताना है। इसका राइट ऑप्शन है वारिज। वारिज मतलब होता है कमल, जो कीचड़ में उगता है। बाकी सब का अर्थ होता है बादल, मेघ। ठीक है, तो बादल, पयोधर, वारित ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, सेम शब्द है, परंतु वारिज एक अलग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। तो समास आपको चयन करना है। आप लोग अगर समास नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार ग्रुप डी में समास जरूर दे। तो चलिए पहला 21वां है, 21 से लेकर 22 तक आपको बताना है समास। तो पीताम्बर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीही समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है बहुव्रीही समास। पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण को बोलते हैं, ठीक है, तो वो बहुव्रीही समास होता है। ठीक है, चरण कमल कौन सा समास है? क तत्पुरुष, ख कर्मधार्य, ग बहुव्रीही, घ अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर है कर्मधारय। कमल रूपी चरण को, ठीक है, जिसका एकदम चरण कमल के समान हो, कोमल हो, उसको चरण कमल बोलते हैं। तो ये कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। एहसान ना मानने वाला, जो एहसान नहीं मानता उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, सही होगा? कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती, परोपजीवी। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है आपको, बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन है कृतघ्न, जो एहसान नहीं मानता है उसको कृतघ्न बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। ठीक है, आपको रिक्त स्थान भरना है, चार विकल्प हैं, इसमें से सही शब्द को चुनना है जो रिक्त स्थान को
पूरा कर सके और पूरे सेंटेंस को सही सही बता सके। तो तन को कपड़ा ना डैश को रोटी, इसमें क खाने, ख पेट, ग भूख, घ मन, कौन सा सही शब्द होगा? तन को कपड़ा ना तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन है क खाने को रोटी, तन को कपड़ा ना खाने को रोटी। अगला है चमड़ी जाए पर डैश ना जाए, इज्जत, ऐठन, पगड़ी, दमड़ी, तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसका सही उत्तर है दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पे आपका पूरा वीडियो समाप्त होता है, आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं। तो ये थे 25 प्रश्न आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना फीडबैक दीजिए, आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है और आप लोगों ने इस वीडियो में कितने नंबर प्राप्त किए हैं खुद से करके, ये भी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और लोग भी लाभ इसका उठा सके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो देखा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप सभी को समय से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।